सब्सक्राइब कर लीजिए टेक्निकल वाइट चैनल को और दबा दीजिए इस बेल आइकन को भी लेटेस्ट टेक्निकल जानकारी सबसे पहले पाने के लिए। हाय फ्रेंड्स, मैं नाम अमित और यूट्यूब के टेक्निकल वाइट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपने फोन में नया सॉफ्टवेयर चला सकते हैं या अपने फ़ोन को किस तरीके से आप फ्लैश कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप अपना फ़ोन ऑन करते हैं और वो ऑन नहीं हो रहा है या फिर वो ऑन हो रहा है वहाँ पे आपको वाइट स्क्रीन शो कर रहा है या फिर कंपनी का नाम आपको शो कर रहा है और उसके बाद आपका फ़ोन आगे वर्क नहीं कर रहा है, तो ये जो है आपके फ़ोन के सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम के कारण हो सकता है और आप जो है अपने फ़ोन में नया सॉफ्टवेयर चढ़ाकर इन प्रॉब्लम को दूर कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि आप किस तरीके से अपने फ़ोन में नया सॉफ्टवेयर चलाएंगे, अपने फ़ोन को फ्लैश करेंगे। तो इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाले लेटेस्ट नई वीडियोज़ की जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो आप इसका यूज उसी फ़ोन में कीजिएगा जो फ़ोन आपका ख़राब हो चुका हो, जो फ़ोन आपका ठीक से काम नहीं कर रहा हो, क्योंकि आप इस मेथड का यूज नए फ़ोन में करते हैं हो सकता है कि वो और ख़राब हो जाए। तो इसलिए इसका यूज उसी फ़ोन में करें जिस फ़ोन में आपका सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो। तो चलिए जानते हैं कि आप ये कैसे करेंगे। चलिए स्टेप बाय स्टेप हम इसके पूरे प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि आप जो है कैसे बड़ी आसानी से अपने फ़ोन को फ्लैश कर सकते हैं, अपने फ़ोन में नया सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास जो है ज़रूरी चीज़ होनी चाहिए वो है USB केबल, जिससे कि आप अपने फ़ोन को कनेक्ट करेंगे और आपको जो है एक लैपटॉप या कंप्यूटर की ज़रूरत होगी। तो इसके बाद जो है आप ये प्रोसेस को फॉलो कीजिए जिससे कि आप अपने फ़ोन को आसानी से फ्लैश कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको सबसे पहले एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा अपने PC में जिसका नाम है StockRom। तो StockRom आपको जो है आपके जिस मॉडल का फ़ोन है उसके लिए आपको जो है आप इस तरीके से StockRom को डाउनलोड कर सकते हैं। अपने फ़ोन के लिए StockRom को डाउनलोड करने के लिए आपको यहाँ पे सिंपली गूगल में जाना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है StockRom डाउनलोड फॉर, फिर इसके बाद आपको अपने फ़ोन का मॉडल लिखना है। तो आपका जो ब्रांड है और जो मॉडल है वो आप यहाँ पे आपको StockRom डाउनलोड फॉर, उसके बाद आपको यहाँ पे अपना मॉडल और ब्रांड को लिख देना है और सर्च करना है। सर्च करने के बाद आपके सामने यहाँ पे बहुत सारा वेबसाइट आ जाएगा। तो यहाँ से आप जो है किसी वेबसाइट पर जाकर जो है अपने लिए StockRom को डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे भी आपका StockRom आपको मिल जाए। तो यहाँ पे जो है मैंने सैमसंग गैलेक्सी O7 का मॉडल सर्च किया था तो मुझे यहाँ पे इसके लिए इंडिया के लिए यहाँ पे मिल चुका है, तो मैं इसे यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें आपको अपने फ़ोन में एक और सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना होगा जिसका नाम है SP फ्लैश टूल। तो इस सॉफ्टवेयर का यूज करके आप जो है अपने PC से अपने फ़ोन में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। तो इस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने के लिए आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप वहाँ से डायरेक्टली इस लिंक पर आ सकते हैं और यहाँ आने के बाद आपको तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक है वहाँ से आप यहाँ पे डायरेक्टली आ सकते हैं। और इसके बाद आपको आई एम नॉट ए रोबोट पे क्लिक करके क्लिक हियर टू कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको 8 सेकंड में एक लिंक जनरेट होगा, यहाँ पे आपको गेट लिंक पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आप यहाँ से डायरेक्टली SP फ्लैश टूल के वेब डाउनलोड लिंक पर चले जाएंगे और यहाँ से आप जो है कोई भी SP फ्लैश टूल का लेटेस्ट वर्सन आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप डाउनलोड करने के बाद आपको जो है ये डाउनलोड हो जाएगा। अब हमारा SP फ्लैश टूल और रोम दोनों डाउनलोड हो चुका है। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है इसमें आपको अपने फ़ोन के लिए USB ड्राइवर को डाउनलोड करना होगा। तो आपके फ़ोन का जो ब्रांड है आप उसके लिए USB ड्राइवर को इस तरीके से डाउनलोड कर सकते हैं। USB ड्राइवर को डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली गूगल क्रोम में लिखना है डाउनलोड एंड्रॉयड USB ड्राइवर 4। उसके बाद आपका जो ब्रांड है फ़ोन का जो ब्रांड है उसे आपको यहाँ पे लिखना है। तो इस तरीके से आपको लिखना है डाउनलोड एंड्रॉयड USB ड्राइवर 4। उसके बाद आपको अपने फ़ोन का ब्रांड लिखना है, जैसे कि मैं यहाँ पे सैमसंग लिखता हूँ। उसके बाद आपको यहाँ पे सर्च कर लेना है और आपको यहाँ पे जो है आप अपने ड्राइवर को यहाँ से ढूंढ कर आपको यहाँ से डाउनलोड कर लेना है। तो यहाँ पे अब हमारा तीनों सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो चुका है, अब हम इन तीनों को यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं। तो आप इस तरीके से तीनों सॉफ्टवेयर को एक्सट्रैक्ट कर लीजिए, जैसे SB फ्लैश टूल, उसके बाद आपको यहाँ पे USB ड्राइवर को भी एक्सट्रैक्ट कर लेना है और जो है आपको अपने लिए जो रोम डाउनलोड किए हैं उसे भी आपको यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर लेना है। उसके बाद हम यहाँ पे सबसे पहले सैमसंग USB ड्राइवर को इंस्टॉल करते हैं। सैमसंग USB ड्राइवर सॉफ्टवेयर को इस तरीके से यहाँ से हम इंस्टॉल कर लेते हैं। ये इंस्टॉल होने के बाद आपको जो है यहाँ पर आपका फ़ोन
आपके फ़ोन को यहाँ से ये आपका कंप्यूटर डिटेक्ट करने लगेगा, और उसके बाद आपको यहाँ पे एसपी फ्लैश टूल का जो आपने डाउनलोड किया था उसके यहाँ पे एप्लीकेशन को यहाँ पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है। तो फ्लैश टूल के एप्लीकेशन को आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करना है, जिससे कि आप अपने फ़ोन में सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पे स्केटर लोडिंग पे क्लिक करना है, और अपने लिए आपने जो भी स्टॉक रोम डाउनलोड किया है, जिस फ़ोन का आपने स्टॉक रोम डाउनलोड किया है उसे आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे आपको अपना स्टॉक रोम सिलेक्ट करना है, यहाँ पे आपको फर्मवेयर ऑप्शन पे फर्मवेयर फोल्डर को ओपन करना है, और यहाँ पे आपको एक फ़ाइल मिलेगा एंड्रॉयड स्केटर का, तो आपको जो है एंड्रॉयड स्केटर फाइल को यहाँ से लोड कर लेना है। आप यहाँ पे एंड्रॉयड स्केटर फाइल पे डबल क्लिक करते हैं, ये लोड होने लगेगा। तो ये लोड होने में आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पे ये आपका 100% जैसे ही पूरा होगा आपका ये लोड कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको जो है अपने फ़ोन के बैटरी और सिम दोनों को अपने फ़ोन से रिमूव कर देना है, अपने फ़ोन से निकाल लेना है। तो बैटरी और सिम दोनों को आपको अपने फ़ोन से निकाल लेना है, और उसके बाद आपका यहाँ पे 100% लोडिंग होने का वेट करना है। तो जैसे यहाँ पे आपका 100% लोडिंग कंप्लीट हो जाता है, तो यहाँ पे जो है ये लोडिंग होने में कुछ समय ले सकता है, तो यहाँ पे आपको वेट करना है और लोडिंग होने का इंतज़ार करना है। तो यहाँ पे आपका स्केटर फाइल यहाँ पे लोडिंग हो रहा है। लोडिंग होने के बाद आपको अपने फ़ोन के बैटरी और सिम को रिमूव कर यूएसबी केबल के साथ अपने फ़ोन में अपने फ़ोन को जो है अपने कंप्यूटर में कनेक्ट करना है। तो अब जैसे ही लोडिंग कंप्लीट हो जाता है आपको अपने फ़ोन को यूएसबी केबल के साथ कंप्यूटर में कनेक्ट करना है, और उसके बाद आपको यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन इनेबल हो जाएगा, उस पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पे जैसे ही आप डाउनलोड के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं उसके बाद आपको यहाँ पे 5 से 10 मिनट आपको वेट करना पड़ सकता है, जिसके बाद आपका आपको यहाँ पे ग्रीन सिग्नल मिलेगा। तो जैसे ही आपका ग्रीन सिग्नल मिलता है आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में देखा कि आप कैसे बड़ी आसानी से अपने फ़ोन को फ्लैश कर सकते हैं, मतलब कि आप अपने फ़ोन में नया सॉफ्टवेयर चला सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में लेटेस्ट नई जानकारी के साथ, तब तक।